तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी के प्रश्न को हल करने वाले हैं, जो आपके बॉर्डर में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए होंगे। अगर दोस्तों आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम 2024 यूपी बोर्ड का देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 100% दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा, तो 100% मिलने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा की रचनाकार का नाम है, बताइए फटाफट, जिनको आ रहा हो कमेंट जरूर करेंगे, बताइए परशुराम की प्रतीक्षा की रचनाकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, भगवती चरण शर्मा, उसके बाद अज्ञे। तो बताइए परशुराम की प्रतीक्षा की रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। कौन है डियर स्टूडेंट? रामधारी सिंह दिनकर है, इसको याद रखिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपके पूछा गया, 2024 में भी यह प्रश्न पूछे जाने का 100% चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए, उपेंद्र नाथ, उसके बाद देखिए प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा महादेवी वर्मा। कौन है डियर स्टूडेंट? महादेवी वर्मा है अतीत के चलचित्र के लेखक, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना किए? कहानी, जीवनी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा, बताइए फटाफट बताइए, जिनको आ रहा हो कमेंट जरूर करें। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना किए थे? कहानी विधा, जीवनी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवनी विधा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? जीवनी विधा की रचना किए थे प्रेमचंद अपने घर में, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 2024 में प्रश्न 100% पूछे जाने का चांस है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? पूस की रात, हलुआ क्लब, वट पीपल, गेहूं और गुलाब, तो बताइए फटाफट बताइए, जिनको आ रहा हो कमेंट करें, बताइए रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गुलाब, किसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट? गेहूं और गुलाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, शिवानी, यशपाल, महादेव वर्मा, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्दा कहानी के लेखक कौन है डियर स्टूडेंट? फटाफट बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया, 2024 में भी यह क्वेश्चन आने का 100% चांस है यूपी बोर्ड, इसको भी ध्यान रखिएगा। फटाफट बताइए, जिनको आ रहा कमेंट करें, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट यशपाल। कौन है डियर स्टूडेंट? यशपाल है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, शिक्षा क्या, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुंशी प्रेमचंद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? फटाफट बताइए, इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार। और अगर इसका विधा पूछेगा तो कौन सी विधा बताएंगे आप? निबंध विधा बताएंगे। कौन सी विधा बताएंगे डियर स्टूडेंट? निबंध विधा बताएंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए आपका दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्या एक तो यह निबंध विधा है और उसके लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, सातवां क्वेश्चन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? थलुआ क्लब, मंत्र, झलमला, गेहूं और गुलाब, फटाफट बताइए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झलमला कहानी के लेखक हैं। ये आपके बोर्ड पेपर में डियर स्टूडेंट 100% 2024 में पूछे जाने का चांस है, क्योंकि दोस्तों कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, हिंदी प्रथम उपन्यास माना जाता है, चित्ररेखा, गोदान, परीक्षा गुरु, इंदुमती, बताइए प्रथम हिंदी का जो प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। क्या दिया रिश्वत, परीक्षा गुरु। और एक कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, तपोभूमि किस विधा की रचना है, कहानी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा, बताइए फटाफट बताइए। तपोभूमि किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तपोभूमि किस विधा की रचना है, तो इसमें आपका हो जाएगा नाटक विधा। कौन सी विधा है डियर स्टूडेंट, नाटक विधा, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तपोभूमि किस विधा की रचना है, नाटक विधा नहीं होगा डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आपका उपन्यास विधा हो जाएगा, कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है, ये आपका सॉरी यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये आपका नहीं है, क्या हो जाएगा, उपन्यास विधा हो जाएगा। चलिए अगला कहानी है, देखिए मधुआ कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, किशोरी लाल, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दसवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुआ कहानी के लेखककार कौन है, आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है डियर स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, सेठ गोविंद दास, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश है। कौन है डियर स्टूडेंट, मोहन राकेश है, और आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, और 2024 में भी यह क्वेश्चन आने का 100% चांस है दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, तो आपका हो जाएगा नाटक विधा की रचना। कौन सी विधा है डियर स्टूडेंट, नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर दुनिया रंग बिरंगी के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, गुलाब राय, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया रंग बिरंगी के लेखक कौन है, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। कौन है डियर स्टूडेंट, जयप्रकाश भारती है, और आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया, और 2024 में क्वेश्चन आने का 100% चांस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम बताइए, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ, प्रेमचंद, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, तो महादेव वर्मा है। कौन है, महादेव वर्मा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम बताएं, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, भगवती चरण शर्मा, उसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद, तो बताइए परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। अगर दोस्तों आप लोग यूपी बोर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% दोस्तों यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग यूपी बोर्ड का सभी विषय का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।